कि एक फर्ज की तरह है, वही रीति रिवाज थोड़ा सा अलग टाइप से इस्लामिक रीति रिवाज में भी है, जहां पर लोग अपने हिस्से की मिट्टी कब्र में डालते हैं और फर्ज समझकर वही लोग यहां कर रहे हैं। आप देखिए धूल वहां उठ रही है, इससे आप समझ सकते हैं लोग जो है अब मिट्टी डाल रहे हैं और लोग धीरे धीरे हट भी रहे हैं। आप देखिए लोग यहाँ, लोगों की भीड़ जो है वो छटने लगी है, अब मिट्टी डाल रहे हैं और कुछ ही वक्त का अब दरअसल ये प्रोसेस बाकी है, महज कुछ मिनटों का ये काम है जब लोग अपने हिस्से की मिट्टी डालकर हटेंगे। हो सकता है अगर पुलिस अलाउ करेगी तो बाहर कुछ जो लोग हैं वो भी इसमें शामिल हो सके, अगर ये लोग बाहर जाएंगे तो। ये पुलिस ने ये शर्त बताई थी कि एक निश्चित संख्या ही वहां अंदर रहने की इजाजत दी गई है। और आप देखिए लोग जो है मिट्टी अपने हिस्से की डालने के बाद वापस हट रहे हैं, भीड़ छटनी शुरू हो गई है। यही अतीकांत था, ये इतने देर के लिए लोग आए थे और अब अपने घरों की तरफ वापस जा रहे हैं। अतीक ने जो कुछ अपराध के दुनिया में अपना हिस्सा कमाया था वो खत्म हो गया, सब कुछ मिट्टी में मिल चुका है, उसी मिट्टी में जहां से वो निकला था उसी मिट्टी में अतीक दफन हो गया। वो सारी शोहरत, वो सारे जो उसने हनक के नाम पर अपने कमाए थे, लोगों के मर्डर किए, लोगों से फिरौतियां वसूली, लोगों से रंगदारियां वसूली, लोगों की प्रॉपर्टीज पर कब्जा किया, और इसके आंकड़े नहीं है। जो लोग कहीं संवेदना जाहिर करने की कोशिश कर रहे थे उनको शायद अतीक का काला साम्राज्य का इतिहास पता नहीं है, अतीक के काले कारनामे नहीं पता है, अतीक के वो आंकड़े नहीं पता हैं जो अपराध की दुनिया में दर्ज हैं, और वो आंकड़े तो बिल्कुल नहीं पता होंगे जो संवेदना जाहिर कर रहे थे, जो आंकड़े कहीं दर्ज नहीं है, जो केसेस दर्ज नहीं हुए। आप देखिए अब कुदाल वहां इस्तेमाल की जा रही है, फावड़ा इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए अब जो ब्लू शर्ट में शख्स है वो फावड़े से मिट्टी डाल रहा है, और ठीक इधर भी जो अतीक की खबर है, इधर अशरफ की खबर है, और वहां दोनों तरफ अब फावड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा है, कुदाल का इस्तेमाल किया जा रहा है मिट्टी डालने के लिए। लोग अपने हिस्से की मिट्टी डाल चुके हैं और ये एक तरह से आप समझ सकते हैं कि अब इसी के साथ ये भीड़ खत्म हो जाएगी, लोग अपने अपने घरों की तरफ वापस चले जाएंगे। मिट्टी में दफन हो गया है अब तीर, अब ज्यादातर जो मिट्टी कब्र से निकाली गई थी उसे डाल दिया गया है, कुछ मिट्टी जो बची है उसे अब कुदाल से फावड़े से जल्दी जल्दी डालकर खत्म किया जा रहा है, क्योंकि रात ऑलरेडी हो चुकी है, 8:30 बजने वाले हैं, और पूरे दिन दरअसल सुबह 9 बजे से ही यहाँ कब्र खोदने का काम शुरू किया गया था। देखिए जो कुछ एक लोग रह गए हैं उनमें से भी अब भीड़ छट रही है, अब सिर्फ वही लोग रह जाएंगे जो अतीक से क्लोज रिलेटिव हैं उनके, अतीक का जो एक तरह से रिश्तेदारी वाला हिस्सा है वो बच गया। तो बड़ी खबर है, मिट्टी में दफन हुआ 44 साल का आपराधिक सफर, अतीक और अशरफ को मिट्टी में दफन कर दिया गया है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की, ये तस्वीरें आप देखिए, मिट्टी में दफन हुआ अतीक का 44 साल का आपराधिक सफर, और उसी के साथ उसके भाई अशरफ को भी प्रयागराज के खसारी मसारी कब्रिस्तान में दफन किया गया है। अब मिट्टी में दफन कर दिया गया, सुपुर्द खाक कर दिया गया, खाक के सुपुर्द आने के सुपुर्द खाक हुआ, और सारे जो रीति रिवाज थे उनको पूरा कर दिया गया है। दफनाने की प्रक्रिया में अतीक के करीबी रिश्तेदार मोहल्लेदार शामिल हुए, और मिट्टी में अतीक का ये पूरा साम्राज्य मिल चुका है। उससे पहले बुलडोजर ने मिट्टी में मिलाया, उसके बाद जो रही सही कसर थी वो अतीक के कारनामों ने उसे खुद को मिट्टी में मिलाने के लिए उसका एक तरह से जिम्मा उठाया अतीक ने खुद ही उमेश पाल की हत्या करवाकर। और ये माना जा रहा है कि 50 दिन में, महज 50 दिन में अतीक की पूरी किस्मत, पूरी जिंदगी इधर से उधर पलट गई। उमेश पाल को अपनी जिंदगी का वो सबसे बड़ा कांटा मानता था, वो असद के गोली मारने को लेकर ये कह रहा था कि असद ने उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा खत्म कर दिया है, अब वो चैन से साबरमती की जेल में सोएगा। लेकिन अतीक को पता नहीं था कि वो शायद आखिरी नींद सोने की तरफ बढ़ चुका है। अपनी जिंदगी की जो उसने काली कमाई हासिल की थी, जो उसने काले साम्राज्य को खड़ा किया था, आपराधिक साम्राज्य सैकड़ों करोड़ का, सोचिए सरकार ने 1200 करोड़ की संपत्ति अतीक की या तो बुलडोज की या तो कुर्क की या तो जब्त की थी, और उससे कहीं ज्यादा संपत्ति उसने बनाई थी अपने इस 44 साल के आपराधिक इतिहास में, और सब कुछ धरा का धरा रह गया। अतीक को मिट्टी में मिला दिया गया, अतीक मिट्टी में दफन हुआ, और उसी के साथ अशरफ उसका भाई भी जो है, जो पूर्व विधायक भी रहा है, उसे भी यहां दफन किया गया। दोनों का कल कोल्ड ब्लडेड मर्डर का वो वीडियो सामने आया जब रात 10 बजे के बाद तीन हत्यारे जो हमलावर जो हैं उन्होंने अतीक की हत्या की, अशरफ की हत्या की, और वहां सरेंडर कर देते हैं, और महज 24 घंटे में अतीक और अशरफ को अब दफना दिया गया है। इससे पहले पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अतीक को 8 गोलियां लगने की बात सामने आई। तो वो अतीक जिसके खिलाफ सैकड़ों केसेस, 50 से ज्यादा केसेस दर्ज हैं दरअसल, और उसके परिवार पर सैकड़ों केसेस दर्ज हैं, इन दोनों को मिट्टी में दफन किया गया। और अब रुख